कर रहा हूं, ऐसे को वर्ल्ड क्लास कहोगे जिसको पता है कि हमारी टीम हार रही है और वो मारा जा रहा है और जिता गया, दिलेर है। और परसों एक इनिंग तुम देख रहे थे, टुक टुकी क्या की है, एक बुरा मैच आपने बना लिया। और फिलिप्स, मतलब माना कि फिलिप्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आप लोगों को निचोड़ के रख दिया, पूरी तरह से फोर करके रख दिया। वर्ल्ड क्लास बने हुए फिरते हैं जी, आप 140 की बात करते हैं, 145 की बात करते हैं, क्या तुम्हारी 140 और क्या तुम्हारी 145, मार मार के उसने उल्लू बना दिया फिलिप्स ने। भाई जान, हमारे बोलर 150 प्लस पे थे भाई जान। ग्रैंड फिलिप्स ने मार मार कर आपकी दुर्गत जो है वो बना दी। और जहां पर आपने मर्जी का ट्रैक बना के वहां पर भी जाओ कुछ नहीं कर पाते, तो ये इंडिया में जाके क्या उखाड़ लेंगे मेरा, इंडिया में जाके क्या उखाड़ेंगे, इंडिया तो किसी को वहां पर हिलने नहीं देता है। और ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएंगे, वहां पर जाके ये मेरे जो क्या है इन्होंने क्या उखाड़ लेना वहां पर जाके, आप मुझे बताएं। इंडिया को देखें, इंडिया जीत रहा है अपनी होम सीरीज में, जीत रहा है होम मैचेस, जीत रहा है, सीरीज भी जीत गया है। और हमें देखें, हम हारी बैठे, यही तो आता है, सारा मसला आता है ना कि जब वो लोग जीत रहे तो हम क्यों नहीं जीत रहे। 100 सालों तुम्हारे लिए यही अच्छा है, बेइज्जत रहो, सदा बेइज्जत रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घंटे का किंग साले। चलिए आखिरी मैच था, 3 महीने के बाद अब क्रिकेट सीरीज है, घर पर हार 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 हार। बाबर आजम, मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जूतियां मारन, मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू, मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा, गाड़ी काट। चले बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर से रिजवान, इधर से गेंद चली आ रही है, रोक के बाहर, रोक के मशीन चंपू, और बस गेम खत्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान 2-1 से न्यूजीलैंड को हरा दिया है और न्यूजीलैंड ने आखिर तक लड़ा, लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच नहीं जीत पाया, पाकिस्तान जीत गया है। और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा कंग्रेचुलेशन, और जितनी भी तारीफ किया जाए पाकिस्तानी टीम की और बाबर आजम की उतनी कम है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट गलत हो गया क्या? अरे अरे भाई क्या, अरे सॉरी मतलब आज पाकिस्तान हार गया है क्या? अरे ये तो पाकिस्तान जीत गया था ना, बाबर आजम तो बोल रहा था हम डोमिनेट कर देंगे, ये गोबर आजम ने फिर हार दिया। दोस्तों जय हिंद। अगर बात किया जाए तो इंट्रो यहां से शुरू होता है, पाकिस्तान को एक अकेला ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी तरह से ठोक दिया है, पेल के रख दिया है पाकिस्तान को। और जिस तरह से गोबर आजम की मुंह आज गोबर की तरह हो गया है और सूज गया है, अब क्या कहा जाए मतलब, और कुत्तों की तरह आज ये हारे हैं, कुत्तों की लिटरली कुत्तों की तरह ये आज हारे हैं। और जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराई है, बेसर में की सारी हद पार हो गई है कि पाकिस्तान अब खड़े तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, किसको मुंह दिखाए, अब मुंह दिखाने वाली टीम तो ये बचा नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, और इंट्रो में तो आप बहुत ही मजे ले लिया और वीडियो की मजे लीजिए पूरी की पूरी, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। रात को बैटिंग मुश्किल हो रही है इन पिचेस पे भाई, उन्होंने तुम्हें रात को ही धो दिया। ये जो शादी चल रही है ना, ये 6-8 खिलाड़ी जो चल रहे पाकिस्तान टीम में, जो लगा में बाबर आजम के हाथ में थी, काला स्याह सफेद का जिम्मेदार अकेला था ये, और किसी को जवाब दे नहीं होना चाहता था, ये ढिठाई से बैठ के बोलता था, ये वो लालत का तसल्लुल है जिसकी आखिरी शाम भी इसको लालत ही मिली है। अब तुम न्यूजीलैंड को चार्ज का मशवरा दे रहे हो, अच्छा। वो तो पूरा ढक्कन टाइट चार्ज कर गए, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे को वर्ल्ड क्लास कहोगे जिसको पता है कि हमारी टीम हार रही है और वो मारा जा रहा है और जिता गया, दिलेर है। और परसों एक इनिंग तुम देख रहे थे, पाकिस्तान के नाम पे क्रिकेट खेल खेल के यही पे ब्रेक लगा के पाकिस्तान के लिए ठीक लड़के लेके आ जाओ, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट को ये लोग आने वाले 6 महीने में कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, वर्ल्ड कप 50 ओवर में जनाजा निकल जाएगा। चले बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर से रिजवान, इधर से गेंद चली आ रही है, रोक के बाहर, रोक के मशीन चंपू, और बस गेम खत्म। 4 में से 3 बार स्टंप हुआ है बाबर आजम इसी सीरीज में, इसका मतलब क्या है, टांगे क्यों उठ रही हैं? जब डटिया परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम अपना मुंह काला करवा के कराची से वापस जा रही है, और लानत है भाई साहब इनके ऊपर, थ्रू है मेरी तरफ से इनके ऊपर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मानते हैं, और जूते मारो ऐसी बॉलिंग को, वर्ल्ड क्लास बने हुए फिरते हैं जी, हम 140 की बॉल करते हैं, 145 की बॉल करते हैं, क्या तुम्हारी 140 और क्या तुम्हारी 145, मार मार के उसने उल्लू बना दिया फिलिप्स ने, 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है हारिस राउफ, और जो 250 की स्पीड से वो छक्का जा रहा है बाउंड्री से बाहर, और ये है भाई साहब आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इन्हें घर में नहीं जीता जाता इनसे मैच भाई, टेस्ट हरवा दिया आपने, वनडे हरवा दिए, तो कब जीतोगे तुम लोग, कब जीतोगे, ना तुमसे T20 जीतने होता, ना तुमसे वनडे जीतने होता, क्लूलेस तुम्हारी बॉलिंग, क्लूलेस बैटिंग, क्लूलेस तुम्हारी कप्तानी, थर्ड क्लास किस्म का तुमने कप्तान रखा हुआ है, आज तुम्हारा किंग भी चला गया, फिर क्या हुआ, 13 बॉलों पे 4 स्कोर, यही इसकी औकात है, ये जो तुम्हारा कचरा किंग है ना, इसकी औकात यही है कि 13 बॉलें खेल के 4 स्कोर बनाओ, मुंह निकाले हुए बाहर चले जाओ, के वाले से बात ना करो, देख लो आपका किंग, आप इसको जूते मार के ODI की कप्तानी चढ़वाने वाले हैं, जहां पर अपने मर्जी का ट्रैक बना के वहां पर भी जाओ कुछ नहीं कर पाते, तो ये इंडिया में जाके क्या उखाड़ लेंगे मेरा, इंडिया में जाके क्या उखाड़ेंगे, इंडिया तो किसी को वहां पर हिलने नहीं देता है, और ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएंगे, वहां पर जाके ये मेरे जो क्या है इन्होंने क्या उखाड़ लेना वहां पर जाके, आप मुझे बताएं। कहां गए भाई 150 प्लस फेंकने वाले बॉलर, कहां गए भाई, कहां गए, बस हवा निकल गई। लगता है अब अल्लाह भी इनका साथ नहीं दे रहा भाई,
अब ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं दे रहा, ऊपर वाला भी इनसे परेशान हो गया। नो ब्रो नल्लो, सालो जीत तो सकते नहीं हो और लंबी लंबी बातें करने बैठ जाओ तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिरा देते हो पुस्की मार के। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इन बहर तो को इतना बेइज्जत किया ना, इतना बेइज्जत किया हमारे आगे कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अल्लाह आमीन, सब बोलो सुभान अल्लाह, भाई पट गई पाकिस्तान की, सुभान अल्लाह। पट नहीं गई, फाड़ के रख दी भाई, फाड़ के रख दी। न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, जोश बटलर ने, बैन स्टोक ने, विलियमसन ने, फिलिप्स ने, सबने सबको मौका मिला, सबको मौका मिला, किसी ने भी धक्का मुक्की नहीं किया भाई, सबने सबर किया। एक एक बंदा लाइन से आके ना सबने अपना नंबर से ना उनका फाड़ दिया भाई, जबरदस्त भाई। बस मेरा जिगरा, दिल, कलेजा सब कुछ एकदम ठंडा हो गया है। और पाकिस्तानियों कितनी सूजी है, आज तो सूज नहीं रही, आज तो जल के कबाब बन रहा होगा। मार के सौ सालों तुम्हारे लिए यही अच्छा है, बेइज्जत रहो, सदा बेइज्जत रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घंटे का किंग साले। होम ग्राउंड पे फिर एक दफा हम घर में आ रहे हैं यार, घर में आ रहे हैं, 2 आवर पीछे से इंडिया देखे, इंडिया को देखे घर में कैसे जीत रहे हैं, वो श्रीलंका से कैसे जीते हैं, दोनों मैच जीते हैं। और हमें देखे जरा यार, आप रद्द हो गई है, हम ना टेस्ट जीते हैं, इंग्लैंड से भी हम T20 सीरीज आ रहे थे, याद होगा आपको, इधर भी आ रही है। क्या की है, एक पूरा मैच जो आपने बना लिया, और फिलिप्स मतलब माना कि फिलिप्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आप लोगों को निचोड़ के रख दिया, पूरी तरह से खोल करके रख दिया। नहीं आप ये देखें, आप ये कोई कम हार नहीं है, ये बहुत बढ़िया हमारी हार है कि हम अपने घर के अंदर व्हाइट बॉल भी हारे हैं, रेड बॉल तो हारे जा रहे हैं, व्हाइट बॉल भी हारने लग गया। पहले आप T20 सीरीज इंग्लैंड के हाथों हारे हो, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से रेड बॉल हार गए हो, अब आप ओडीआई सीरीज अपने घर के अंदर हार गए हो, और इस घर को छोड़ के कहीं और अपना शिफ्ट हो जाओ। इंडिया को देखें, इंडिया जीत रहा है अपनी होम सीरीज पे, जीत रहा है होम मैचेस, जीत रहा है, सीरीज भी जीत गया है, और हमें देखें हम यही तो आता है, सारा मसला आता है ना कि जब वो लोग जीत रहे हैं तो हम क्यों नहीं जीत रहे, देखिए मैच फिनिशर बनेगा तो विराट कोहली से कंपेयर करने जोगा होगा ना। फिर कहते हैं जनाब बाबर आजम के फैन के विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब विराट कोहली बेहतर है, बाबर आजम भी कोई कम नहीं है, लेकिन भाई यहीं से पता लगता है, अगर कल बाबर आजम इतना चौका होता तो मैच फिनिश करा के जाता ना, मैच खत्म करता, जीता हुआ मैच अगर वो जितवा के जाता, लेकिन वो जनाब आउट हो गए। इंडिया ग्रैंड फिलिप्स ने मार मार कर आपकी दुर्गत जो है वो बना दी, और सबको बता दिया कि जो दिलेर होते हैं उनको फिर कुदरत जो है फटा देती है। आज पता चला चेस कैसे होता है, कैसे होता है चेस, जैसा ग्रैंड फिलिप्स ने करके दिखाया। यहाँ पर हमारे यहाँ जब बात की जाती है एग्रेशन की, बात की जाती है एग्रेसिव की, बात की जाती है, तो लोग कहते हैं क्या करें बाबर आजम, कर दिया जो बाबर आजम ने करना है। शर्म आनी चाहिए, आखिरी मैच था, 3 महीने के बाद अब क्रिकेट सीरीज है, घर पर हार 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 हार, फिर बेशर्मी की दाव बचा दिया इन बेशर्मों ने कि घर पर एक और हार लगा दिया। शर्म करो यार, तुम हार की हार हार प्यार, और ग्लेन फिलिप्स से एंड्रयू मार्क आ गए जो रन ही नहीं एकम करने दे रहा था यार, कमाल है यार। यहाँ पे नजम सेट्टी हो या शकील शेख हो, उसको तत्तर बतर ना किया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट का तुमने बेड़ा कर किया तो रमेश सिंह का तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी टीम की जमकर ले रही थी, और न्यूजीलैंड से इस तगड़ी हार के बाद इनकी कहां कहां से पाकिस्तान मीडिया की आवाज निकाल रही थी वो तो आप समझ चुके होंगे। और जब भी पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान मीडिया का हालत ही कुछ इस तरह होता है कि वो शर्म से तो वैसे ही पागल हो जाते हैं, और एक कप्तान तो उन्होंने अपने ऊपर लद दिया है जो अपने आप को किंग कहता है, लेकिन वो जो किंग है वो किंग के तो मैं तो उसको बाबर आजम नहीं बर्बाद है आजम उसको कहना चाहिए। और जिस तरह का उसका मतलब बिहेवियर है, और जिस तरह से उसका जो ये है, मतलब तू जीत रहा हुआ मैच हार गया है यार, मतलब इससे बेहुदा कप्तान और कौन है। और घर में आपको मैं बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया आई थी जो पाकिस्तान जब खेलने, वो 30 साल बाद आकर टेस्ट सीरीज जीते हैं, और जो इंग्लैंड ने उनको व्हाइट वॉश किया है, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीती थी पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने भी लगभग 30-36 साल के बाद जीती है। और न्यूजीलैंड आके जो आज ODI उनको हरा दिया है, वो भी 42 ईयर के बाद, वो आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम ने सभी अपने लीजेंड क्रिकेटर को कह दिया कि जितना रिकॉर्ड तुम लोगों का था साला सब अकेले तोड़ेगा तेरा भाई, बाप दादा परदादा का सबका बदला लगा रहे तेरा बर्बाद है आजम, मतलब सभी का बदला बाबर आजम ले रहा है, सभी का रिकॉर्ड जो है वो हारते हुए वो टूटा रहा है, और इससे बड़ी मतलब क्या हासिल कर सकता है बाबर आजम, ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई कर सकता है, मतलब कोई भी टीम आए आपको हरा के चला जाए और आप अपने घर पे ही कुत्ते बन जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा तो कोहली भी नहीं कर सकता, रोहित शर्मा के पारी सिन्हा ये सब कर सकते हैं, हमको आके न्यूजीलैंड हरा सकता है, देखो पाकिस्तान को आके हरा दिया, अब क्या बोलो। भाई अब बोलने की भी कुछ लफ्ज नहीं है, अब इनका कितना मजाक उड़ाऊं, पाकिस्तानी टीम भी एक जोक हो गई है, और उससे इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तान की इस हार के बाद आपका जो मीठा मीठा जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, मैं सभी कमेंट को देखूंगा और लाइक कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।